टाटा पहुंच गए, टाटा 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 टाटा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं मासी जी के घर। अरे ये आगे मंदिर जा रहे हैं, और ये हाँ जी, तो सैर सैर पर चले हो? सैर रूटीन नहीं टूटना चाहिए। पता क्या अस आई जाने हमारी मासी जी, ये बड़े मासड़ जी। हाँ जी ठीक ठाक है? हाँ वधिया जी वधिया। फिर पहना मास्टर जी सूट ना? बस वधिया। हाँ हाँ क्या बात है। लो जी ये हम लोग आए हैं अपनी मासी के घर ज्वाला जी। तो ये हमारे बड़े मास्टर जी हैं और ये हमारे छोटे मास्टर जी। हाँ सो बहुत देर के मास्टर जी, मतलब ब्याह तो बाद नहीं आए हैं ना? हाँ जी मासी जी काम करने नहीं देंगे। ये हम आ चुके हैं किचन में मासी जी की। ये रात के खाने की तैयारी हो रही है, और ये देखिए ये सलाद काट लिया गया है, ये खीरा मासी देखो कितना अच्छा है, और ये देखिए ये स्पेशल, ये कुछ भी बनाए सब कुछ इनका स्पेशल होता है। माँ की दाल, माँ की दाल, ये कुछ भी बनाए इनका सब कुछ स्पेशल है। सब्जी जितने प्यार से ये खिलाते हैं ना, उससे ज्यादा इसमें पता क्या होता है, प्यार होता है। और ये देखो मासी ने बनाई है खीर। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। अच्छा आई सरप्राइज देख ले। और ये है हमारी मासी। मासी जी बना रहे खाना। फोटो खींचनी होगी। लो मासी जी की गल्ला करते थे। मासी जी ने रखा हुआ है घड़ा पानी के लिए। यही हिमाचल की रसोई है जी। मासी जी को बोल रही मैं खाना मैं बनाती हूँ, चपातियाँ बनाने नहीं दे रहे। मासी जी ने काम लगाता। ये देखो ये मासी जी का घर, और ये देखिए ये तुलसी के नज़दीक दिया जलाया हुआ है इन्होंने। तुलसी की पूजा करते हैं ये हर रोज़, और यहाँ पे कहीं थे अभी मास्टर जी, तो वो उस कर रहे हैं सैर जी। ये इनका रेजिडेंस कम गेस्ट हाउस है, और ये है मेन रोड नीचे भी। ये रास्ता जो है ये वाला, ये ज्वाला जी को जाता है। ज्वाला जी यहाँ से होगा कोई, ज्वाला जी का मंदिर 400-500 मीटर होगा यहाँ पे, 300-400 मीटर। ये देखिए ये मेन हाईवे है। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, कोई गर्मी नहीं लग रही, कोई स्वेटिंग नहीं हो रही, एकदम से ठंडा मौसम है, हवा चल रही है। और
ਮਾਸੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ 28 ਅਤੇ ਹਾਂ 28 ਡਿਗਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ 24 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ 80% 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਾ 80% ਚਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਯੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੇਨੇ ਲਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਤਾ ਹੈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਯੇ ਇਨਕਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੈ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਯੇ ਇਨਕਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਯੇ ਇਨਕੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੀਏ ਯੇ ਮੇਨ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ये किचन और ये अगला कमरा है यहाँ पे बड़े मास्टर जी बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं अभी खबरें सुन रहे हैं और ये पीछे वाला कमरा है इनका मतलब चार कमरे हैं बाथरूम वगैरह सभी अटैच हैं सब कुछ है बाहर भी दो बाथरूम हैं तो बहुत बढ़िया नीचे का भी जो है वो गेस्ट हाउस में चार पांच कमरे नीचे हैं पांच छः कमरे एक दो तीन चार पांच छः कमरे तो एक को बीच में से इन्होंने शॉप बनाया हुआ है तो रिटायर्ड लेक्चरर हैं ये स्कूल में लेक्चरर थे मैथ के टीचर थे तो दोस्तों रात के समय हम निकले हैं थोड़ी सी वॉक के लिए खाना खाया था अभी और जैसे कि आपको खाने में बताई थी आइटम्स तो सबसे बढ़िया मेरे को खीर लगी और बहुत टेस्टी खीर थी मीठा भी एकदम बैलेंस्ड सब कुछ एकदम बैलेंस था ना दूध ज़्यादा ना बीच में चावल ज़्यादा तो ये देखिए ये हम ये तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौसम है गर्मी लग नहीं रही बिल्कुल भी ठंडा मौसम है और हाँ क्योंकि रात के अभी 10 मिनट कम 11 हो गए हैं यानी कि 10:50 हो गए हैं तो ये देखिए बस अभी निकली है धर्मशाला चंडीगढ़ देहरादून की तो अभी जिन्होंने माथा टेक लिया है वो अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं एकदम सुनसान सड़क है कोई ज़्यादा शोर नहीं कोई कुछ नहीं दुकानें अभी खुली हुई हैं ये ढाबे खुले हैं ये देखिए पान की दुकान खुली है और ये देखिए ये मंदिर ये शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी तो अब और ये बहुत बढ़िया होटल है यहाँ पे होटल ज्वाला जी एंड रेस्टोरेंट बहुत पुराना होटल है वैसे तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ इसको और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे अंदर ही रेस्टोरेंट है ये गीता भवन पब्लिक ट्रस्ट धर्मशाला ये रही आ जा नज़र लाइट पड़ रही है भाई कहाँ से आएगी
तो अभी तो हमने वैसे ही एक राउंड लेने के लिए फिर चलो थोड़ा खाया है भी खाया तो हम थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं इसलिए आए हैं, अदरवाइज़ बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने का। लगता है जैसे ना आजू बाजू कहीं बारिश हुई है, यहाँ पे खास ज्वाला जी में तो नहीं हुई लेकिन आजू बाजू हुई है, जिससे यहाँ पे ना ठंडक आ रही है शरीर को, जैसे होती है ना मेंथोल। ये देखिए ये गीता भवन पोल्ट्री ट्रस्ट धर्मशाला है, आप यहाँ पे भी कमरे ले सकते हो। तो ऐसे लग रहा है जैसे मेंथोल टाइप नहीं होता कि जब हम कोई मेंथोल जैसे अपना मुंह में रखते हैं कोई गोली, तो वो अंदर जो ठंडक पहुंचती है वो शरीर को लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की ठंडक। हाँ 35 किलोमीटर कांगड़ा और 35 किलोमीटर ज्वाला जी से 35 किलोमीटर कांगड़ा है, आप यहाँ से कांगड़ा माता मंदिर भी जा सकते हो, 12 किलोमीटर देर है, जहाँ से रास्ता बगलामुखी माता मंदिर को भी जाता है और 35 किलोमीटर चिंतपूर्णी है यहाँ पे, और बगलामुखी माता से होते हुए आप आगे धर्मशाला भी जा सकते हो। Thank you.